चलिए नजर डालते हैं इस वक्त पटना से आ रही कुछ खास खबरों पर, जहां पटना सिटी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम ने युद्ध स्तर पर दवा का छिड़काव कर अशोक राजपथ सहित पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। वहीं कुछ समाज सेवियों ने भी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया, साथ ही लोगों से घरों में रहने का अपील भी किया। ऑक्सीजन सहायता समूह और राष्ट्रीय जनता दल पटना महानगर की ओर से हम लोग को कुछ राहत सामग्री दिया गया है, और हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब कि एक मैसेज दें कि लोग साफ सफाई रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और जो भी मतलब कि गंदगी का अंबार कहीं कहीं लगा हो, हम लोग का खास ख्याल है। और हम लोग निरंतर आज से शुरू किए हैं, हम लोग निरंतर इस चीज़ को रेगुलर करेंगे। डेली सुबह में हम लोग का पूरा टीम लग के छिड़काव करेगा, दवा का भी वितरण हम लोग कर रहे हैं, आगे हम लोग का अनाज वितरण करने का भी योजना है, और ग्लव्स वगैरह है, मास्क वगैरह हम लोग बांट रहे हैं, और पूरे मतलब पूरे पटना में जितने भी वार्ड हैं सब जगह हमारा टीम वर्क कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल प्रयासरत है कि किसी भी प्रकार से इस महामारी कोरोना से हम लोग जीतें, कोरोना हारे, लेकिन संजीदगी से लेना होगा इसको, सब लोगों को संजीदगी से लेना होगा। बहुत खतरनाक बीमारी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, सब लोगों को एक दूसरे का सहयोग भी करना होगा। मेरा नाम कौशल किशोर कृष्णा, राष्ट्रीय जनता दल वार्ड अध्यक्ष। वहीं पटना सिटी के वार्ड नंबर 59 में नगर निगम के तरफ से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दवा का छिड़काव किया गया। तरफ से और ये 5 मिनट की गाड़ी हम लोग स्पेशल मंगवाए हैं, क्योंकि सिटी एक आपका पंचायत सिटी गलियों की शहर है, इसलिए हम लोग 5 मिनट से अनुरोध किए हैं कि अपनी छोटी गाड़ी हम लोग को दी जाए। नगर निगम को उन्होंने अपनी गाड़ी दी है, जिसको हमने अपने वार्ड में लाए हैं। मेरा नाम हुआ संजीव कुमार उप लड्डू चंद्रवंशी, वार्ड 59 समाज सेवी। नगर निगम बुलाई है फायर ब्रिगेड को, नगर निगम यहाँ भेजी है इसलिए सैनिटाइज करने के लिए। चलिए ठीक है, आप लोग भी नगर निगम से हैं?